हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शैलेश पीपी लाइव में। मैं आपका अपना बंदा, आशा करता है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और सबसे बड़ी चीज अपनी फैमिली और अपने माता पिता का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। गाइस रख लीजिए, उम्र के इस पड़ाव पे उनको हमारी बहुत जरूरत है। और जिस घर में माता पिता खुश हैं, खुशियां उस घर में आने के लिए तरसती हैं, भगवान भी तरसते हैं उस घर में आशीर्वाद देने के लिए। ये मेरा अपना अनुभव है। जो लोग अपने माता पिता का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं उनको इस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेगमेंट में ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ी से आपको दूर रहना है। आज का हमारे वीडियो इसी पे होगा, लेकिन शुरुआत करने से पहले अपने भाई का एक मोटो जरूर याद रखिएगा। जब भी शोरूम जाइएगा तो सवाल आप पूछिएगा वो नहीं, क्योंकि गाड़ी कमाई आपकी है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कारें तो चलन में आ गई हैं, लेकिन कुछ कारों से तो बचना ही बेहतर है। जैसे कि पुराने मॉडल वाली निसान लीफ, इसकी रेंज तो बस नाम की है, चल ही नहीं पाती। फिर है शेवरलेट स्पार्क ईवी, सिटी में घूमने के लिए तो ठीक है, बाहर निकलो तो फुस। बीएमडब्ल्यू i3 का अजीब और गरीब डिजाइन और छोटी रेंज तो दिमाग खराब कर देते हैं। फिएट 500e, ना इसकी बैटरी में दम ना ही जगह, बस थोड़ी सी दूरी और थोड़ा सा सामान बस। मित्सुबिशी iMiEV की रेंज और स्पीड दोनों ही कमजोर, कछुआ रेस में भी हार जाएगी। होंडा क्लैरिटी इलेक्ट्रिक 100 मील भी नहीं चल पाती, भाई ये तो बस नाम की इलेक्ट्रिक कार है। स्मार्ट EQ42 लंबी ट्रिप्स के लिए तो बिल्कुल मत सोचना। Hyundai Kona इलेक्ट्रिक के पुराने मॉडल्स तो चार्जिंग के मामले में बुरे फंसे हैं, और टेस्ला मॉडल एक्स के पुराने मॉडल्स भरोसा करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, अगली बार जब इलेक्ट्रिक कार लेने जाओ, इन सबसे दूर रहना और समझदारी से कोई अच्छी गाड़ी चुनना